चलो आपका नाम क्या है? मानव दस। अच्छा आप मुझे बोलो आप ईद पे क्या करोगे? अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगी, खेलूंगी और मम्मा पापा से ईदी मांगूंगी। वेरी गुड, तो आपको बहुत मजा आएगा। यस मैम। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? तस्किया जान। कहाँ रहते हो? यारीपुरा। अच्छा ईद आने वाली है, तो आपका क्या प्लान है ईद के लिए? मैम मैं ईद के दिन अच्छे से बैठूंगी और घूमूंगी फिरूंगी, मुझे बहुत खुशी है कि ईद आने वाली है। तो ईद नमाज कहाँ पढ़ते हो? मैम यारीपुरा में मस्जिद में पढ़ते हैं। ठीक, तो ईदी कौन कौन देता है आपको? मैम सब लोग देते हैं, मम्मा पापा देते हैं, सब सब लोग देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अस्मिल्लाह। कहाँ रहते हो? काटापुरा। जैसे आपको पता है कि ईद आने वाली है, तो आपकी क्या क्या प्रिपरेशन हैं? मैंने कल नए कपड़े लाए, घर डेकोरेट किया, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, वहाँ से आऊंगा, दोस्तों के साथ खेलूंगा, मजे करूंगा। तो नमाज कहाँ पढ़नी है? ईद। अच्छा तो ईदी मिलती है आपको? यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मारिया। कहाँ रहते हो? जैसे कि आपको पता है कि ईद आने वाली है, तो आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची? मैंने नए कपड़े लाए, नमाज पढ़ने जाऊँगी, अपने दोस्तों के साथ खेलूँगी। नमाज कहाँ पढ़नी है? ईद। अच्छा ठीक, तो कुछ ऐसी बात ऐसे नसीहत आप लोगों को बताना चाहते हो इस ईद पे? यस मामा, हमें खुशी खर्ची नहीं करनी चाहिए, जो ईद ही हमें मिलती है या घर वाले जो पैसे हमें देते हैं हम बचा के। चलो ठीक। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फलक। कहाँ रहते हो? खानपुर। जैसे आपको पता है कि ईद आने वाली है, तो आपकी प्रिपरेशन क्या क्या है? हमने नए कपड़े लाए, घर की सफाई की है, बहुत सारी प्रिपरेशन। ठीक है, तो नमाज कहाँ पढ़नी है? मस्जिद में। ठीक है, तो एज ए नसीहत कुछ आप इस ईद पे बताना चाहते हो लोगों को? मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, जो हमारी ईदी है उसे हमें बचा के रखना चाहिए। चलो जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानस। कहाँ रहते हो? मैं यारीपुरा में। जैसे कि आपको पता है कि ईद आने वाली है, तो आपकी क्या क्या तैयारियाँ हैं? मैम तैयारी है तो बहुत है, जैसे मतलब कपड़े लाना या घर वालों को मतलब बहुत सारी तैयारी है, जैसे घर की भी बहुत सारी तैयारी है, साफ सफाई करनी है और सारी जो तैयारी हो एज प्लान चल रही है। ठीक है, तो इस ईद पे क्या आप लोगों को एज ए नसीहत कुछ बताना चाहते हैं? जी हाँ, मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप पटाखे इस ईद आप देखते हो कि बहुत सारे लोग पटाखे जलाते हैं, तो हमें ये जो पटाखे हैं उन्हें नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इनसे एक तो मल्टीपल हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं एनवायरमेंट के ऊपर से, खुद को भी ये जो है नुकसान पहुँचाते हैं, और साथ ही साथ हमें अगर हम जैसे इस्लामिक तौर पर अगर हम ईद को सेलिब्रेट करें, जैसे खुशियाँ बांटना, एक दूसरे को मतलब ग्रीट करना, तो वो जो एक अच्छा तरीका होगा और इससे एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। चलो थैंक यू। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मैं मेरा नाम आलिया अशरफ। कहाँ रहते हो? मैं अमृतसर में रहती हूँ। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि ईद आने वाली है, तो आपकी क्या क्या तैयारियाँ हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बोलना चाहूँगी एडवांस में ईद मुबारक, और तैयारियाँ कुछ ऐसी हैं कि घर वालों को साफ सफाई में मदद करनी है, जब जो कि हमने आधी कर दी है, और कपड़े वगैरह लाने और खाने पीने की चीज़ों का इंतजाम करना तैयारियाँ ऐसी हैं। चलो ठीक है, तो इस ईद एज ए नसीहत आप लोगों को कुछ बताना चाहते हो? हाँ, एज ए एडवाइस मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सबको ईद पे ईदी मिलती है, हमारे घर वाले देते हैं, जबकि बॉयज़ को जब ईदी मिलती है तो इसको वेस्ट कर देते हैं, नो ये फायर क्रैकर्स लाते हैं जिनको हम पटाखे बोलते हैं और फिर उनको जलाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती है। मैं यही बोलना चाहूँगी सभी बच्चों को कि उनको ईद पे जब ईदी मिले तो वो उसको सेव करें और पटाखे ना फोड़ें। चलो थैंक यू। वालेकुम। आपका नाम क्या है? कहाँ रहते हो? ईद की तैयारी की? अच्छा कपड़े लाए थे? अच्छा ठीक, तो ईद कौन कौन देता है आपको? अच्छा नमाज कहाँ पढ़नी है? एंजॉय करोगे? पटाखे नहीं चलाना, ठीक है।